देवबंद को लेकर बयानबाजी का दौर है, ऐसे में वसीम रिजवी ने भी एक विवादित बयान दिया है। वसीम रिजवी का कहना है कि पढ़े लिखे मुसलमानों को कट्टर बनाया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से देवबंद को लेकर बयानबाजी चल रही है, गिरिराज सिंह का बयान सामने आया था, ऐसे में वसीम रिजवी का भी विवादित बयान सामने आया है। वसीम रिजवी का कहना है कि पढ़े लिखे मुसलमानों को कट्टर बनाया जा रहा है। देवबंद में लाखों कसाब तैयार किए जा रहे हैं, देश तोड़ने के लिए देवबंदी इस्लामिक साजिश है। देवबंदी इस्लामिक साजिश, देश को तोड़ने के लिए पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को कट्टरपंथी बना रही है। अब अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का हिंदुस्तान के लिए अपना योगदान देना बस एक इतिहास है। अब देवबंदी विचारधारा के लाखों कसाब तैयार किए जाने की तैयारी हो रही है। पहले इस्लामिक दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को उसके आचरण के लिए इज्जत की निगाह से देखा जाता था, अब इस्लामिक दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को देखकर लोगों में डर और भय पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। यह देवबंद जैसे मदरसों की देन है।